हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब है मनी, वो पैसे जो हम किस पे लगाते हैं, बिजनेस पे लगाते हैं। अब कैपिटल होते हैं दो तरीके के, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वर्किंग। फिक्स्ड का मतलब है परमानेंट, जो हम बहुत सोच के पैसे लगाते हैं बिजनेस पे, कोई भी बिजनेस की चीज़ लेने के लिए, चाहे वो मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, जो हम परमानेंट यूज़ के लिए, फॉर लॉन्गर टाइम के लिए अगर कोई चीज़ लेते हैं, वो किस में आते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में। अब वर्किंग, जैसे आपको नाम से ही पता चलेगा, जो पैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। अब डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ जाए अगर, या कोई हमने बिल पे करना है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? वर्किंग कैपिटल पे। फिक्स्ड कैपिटल इज यूज फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स विच आर यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब हम फिक्स्ड कैपिटल से क्या परचेज करते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर सकते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, जो चीज़ें हम बार बार खरीद या बेच नहीं सकते। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? लॉन्गर टर्म। ये लॉन्गर टर्म के लिए सर्व करता है बिजनेस में। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, नो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है थिंग्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू कैश, वो चीज़ें जो कि हम कैश में बार बार कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लैंड खरीदा है या बिल्डिंग खरीदी है, क्या आप उसको वापस बेच के ऑन स्पॉट कैश में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। अब वैसे ही अगर हम वर्किंग कैपिटल की एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पे अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा है और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे आगे बेच सकते हो, जो भी सिमिलर कंपनी उसे यूज़ कर रही हो, या किसी को भी आप कैश लेके वो चीज़ बेच सकते हो। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देन ट्रेडिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब है जो चीज़ें बनाती है, और ट्रेडिंग कंपनी का मतलब है जो आगे बेचती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमें मोर फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और ट्रेडिंग कंपनी में हमें लेस फिक्स कैपिटल लगेगा। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। लार्ज स्केल, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी कंपनी खुलने जा रही है, तो वहाँ पे हमें मोर फिक्स कैपिटल लगेगा। ऑब्वियसली बात है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ही वहाँ पे वर्कर्स होंगे, उतनी ही वहाँ पे महंगी मशीनरी होगी, हर चीज़ स्मॉल कंपनी से ज़्यादा होगी। स्मॉल स्केल होगी तो क्या होगा? लेस फिक्स कैपिटल। थर्ड पॉइंट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आता है इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इंटेंसिव का मतलब है वो इंडस्ट्रीज जिसमें खाली मशीन्स यूज़ होती हैं और कम वर्कर्स यूज़ होते हैं, वेयर एज लेबर इंटेंसिव का मतलब है जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा होते हैं। अब इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे मशीनरी है वहाँ पे हमारा फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा, मोर फिक्स्ड कैपिटल, वेयर एज लेबर इंटेंसिव में हमारा लेस लगेगा फिक्स्ड कैपिटल। क्यों लगेगा? क्योंकि मशीन्स इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फास्ट और स्लो, वो इंडस्ट्रीज जिनमें टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, और चेंज हो रही है अगर, तो वहाँ पे मोर फिक्स कैपिटल लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी, न्यू चीज़ों को लाना एक्सपेंसिव है। और स्लो, जिन इंडस्ट्रीज में स्लो अपग्रेडेशन होती है, ज़्यादा अपग्रेड चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे लेस फिक्स कैपिटल यूज होता है, वहाँ पे बिजनेस का पैसा कम लगता है। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, स्पेंडिंग कंपनी, अब वो कंपनी जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है। अब ग्रोथ कैसे ज़्यादा होगी? अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्शन भी क्या होगी? फिर ज़्यादा होगी। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमें एरिया, हर चीज़ क्या करनी पड़ेगी? एक्सपैंड करनी पड़ेगी। एक्सपैंड करेंगे तो हमें नीचे न्यू मशीनरी भी लानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा? मोर फिक्स कैपिटल यूज होगा। हैव हायर ग्रोथ प्लान विच रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल।
अब वो कंपनीज जहां पे कम ग्रोथ है वहां पे लेस फिक्स्ड कैपिटल यूज होगा, मतलब बिजनेस का पैसा कम लगेगा. नाउ डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रीज क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट विच नीड मोर फिक्स कैपिटल. अब अगर कंपनी मार्केट में कोई नई चीज ला रही है, नया प्रोडक्ट ला रही है, न्यू टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में यूज कर रही है और न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रही है अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, और वो अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं? एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, अगर वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे. अब एम्प्लॉयमेंट तो तभी देगी जब उसके पास खुद पैसा होगा, और उसके लिए हमें मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत है. बिजनेस में ज्यादा पैसा लगेगा तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, नई नई चीजें हम मार्केट में ला पाएंगे और आगे लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे. सेवंथ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी. इफ कंपनी कैन अरेंज, अगर कंपनी अरेंज कर सकती है फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटीज, का मतलब है रेंट, रेंट पे अगर चीजें ले सकती है और दे सकती है. सपोज अगर कोई कंपनी अपनी मशीनरी रेंट पे आगे देती है किसी और कंपनी को यूज करने के लिए, तो उसे इन रिटर्न क्या मिलेगा? इंस्टॉलमेंट मिलेगी, मतलब पैसे उसके पास आएंगे कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से आगे रन कर पाए. इसीलिए वहां पे लेस फिक्स कैपिटल यूज होगा, क्योंकि उसका बिजनेस का खुद का पैसा तो कम लगेगा, क्योंकि उसे इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसे मिल जाएंगे. अब वो कंपनी जो अरेंज नहीं कर सकती पैसे और ना ही लीजिंग फैसिलिटीज, मतलब उधार पे चीजें लेती है और देती है, वहां पे क्या होगा? मोर फिक्स कैपिटल लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि उसे अपनी कंपनी के लिए मशीनरी खुद खरीदनी पड़ेगी, अपने पैसों से मशीनरी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे होने चाहिए कि वो आगे खर्चा कर पाए. देन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, और आप इसको जॉइंट वेंचर भी बोल सकते हो. अगर दो कंपनीज मिलके कोलैब करके काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो शेयर करेंगी अपनी हर चीज, मशीनरी हो चाहे या कोई भी चीज हो, वो शेयर करके कर सकती हैं आपस में. तो इसलिए वहां पे लेस फिक्स कैपिटल यूज होगा, कम पैसे लगेंगे. वेयर एज वो कंपनी जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोपराइटर, अब वो सारा एक इंसान ही बिजनेस संभालता है, तो वहां पे क्या होगा? मोर फिक्स कैपिटल लगेगा. लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पे ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो हमारा लेस फिक्स कैपिटल लगेगा. तो आज हमने पढ़ लिया फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.